नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हमें सहरसा में और यहां के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और चलिए हम इनसे बात करते हैं। यहां जो अभी आपने देखा मीटिंग हो रहा है, तो किस चीज के लिए मीटिंग हो रहा है? अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो किस चीज के लिए मीटिंग कर रहे हैं? यह मीटिंग हम लोगों की हो रही है हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक हैं रामानंद सिंह जी, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं जी। वो आए हैं यह जायजा लेने के लिए। एक तो हम लोगों का डिजिटल मेंबरशिप अभियान चल रहा है जी। इस अभियान को कैसे गति दिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के सदस्य बने, एक वह है। और दूसरा जो चुनाव की है उसमें चल रहा है कांग्रेस पार्टी। आज अपने जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी सांप्रदायवाद के खिलाफ और राष्ट्र की एकता के लिए संघर्ष करती रही है। सांप्रदायवाद से लड़ने के लिए हम आज की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में महागठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की मांग यही है कि महागठबंधन अगर हो तो वह सम्मानजनक गठबंधन हो, समझौता जो है सो सम्मानजनक हो, जिसमें कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिले, तभी ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसी और कांग्रेस के जो वोटर्स चले गए हैं हमको छोड़ करके, वह हमारी तरफ लौटेंगे। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सहरसा जिले में 2 सीट महागठबंधन में कांग्रेस को मिलनी चाहिए। वैसे हम लोग किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमने बात किया अध्यक्ष जी से, इनका कहना है अभी जो हम ये मीटिंग करवा रहे हैं इसका मेन कारण है जो कांग्रेस का जो है सदस्यता बनाना, यानी कि वोटर बनाना। कैमरा पर्सन विशाल कुमार के साथ मैं अंबुज कुमार, मोबाइल न्यूज 24।